नमस्कार, आजाद सिपाही यूट्यूब में मैं प्रशांत झा आपका स्वागत करता हूं। आज के अखबार में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को प्रमुखता से जगह मिली है। तो भाजपा अनुसूचित जनजाति की रांची में जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसको जगह दी गई है। वहीं पर कोरोना के बढ़ते हुए कदम को जगह मिली है। तो विधायकों की खरीद फरोख्त में आरोपितों को जमानत मिल गई है, इसे पहले पन्ने पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर हिंदुस्तान ने लिखा है, अशांति फैलाने वालों से नरमी नहीं। दैनिक जागरण ने लिखा है, कश्मीर के युवा दुश्मन को दे जवाब। इसी तरह भास्कर ने लिखा है, युवाओं पर फोकस। आपका अपना अखबार आजाद सिपाही ने लिखा है कि लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अमित शाह का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे लेकर काफ़ी चर्चा है पूरे देश में, तो निश्चित रूप से झारखंड में भी इसकी चर्चा है। इसी तरह राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हो रही है बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का, तो उसमें कल अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जो, उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो उनके उन्होंने जो कहा एकलव्य विद्यालय के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, केंद्र सरकार क्या कर रही है उसके बारे में, इन्हीं सब बातों को लेकर अखबारों ने अलग अलग हेडिंग से इनको प्रस्तुत किया है। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जो है वो तीन महीने पहले चर्चा में आया, जब तीन लोगों की रांची के होटल से गिरफ्तारी हुई। और इसमें तीन विधायक, कांग्रेस के दो विधायक इरफान अंसारी और अकेला उमा शंकर गया, और निर्दलीय विधायक अमित कुमार के नाम का सामने आया। पुलिस इस खरीद फरोख्त के मामले में कुछ भी साबित नहीं कर सकी, पुलिस कहीं भी नहीं पहुंच पाई, जांच कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि एसीबी 90 दिनों में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई और कोर्ट से तीनों आरोपियों को कल जमानत मिल गई। तो ये एक पुलिस की नाकामी है और यह एक बड़ा मामला था जिसपे लोगों की नज़र टिकी हुई थी, और इनको जमानत मिल जाना, पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल कर पाना, यह कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे सवाल लगा था। खैर, वो जो भी मामला हो, आगे फिर इस पर क्या होता है वो देखा जाएगा। इन सभी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.azadsipahi.com पे जाके अखबार ई पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, वहाँ खबरों को भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इन खबरों के बीच का वीडियो भी आपको बहुत सारा वहाँ दिख जाएगा। तो आपसे आग्रह होगा, आप azadsipahi.com पे जाएं, वहाँ देखें, और कल फिर आपके सामने सुर्खियों के, अखबार की सुर्खियों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।